मॉर्निंग, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास विद दैट टॉपिक. क्लास फिफ्थ, वी हैव प्रीवियसली डिस्कस्ड इन द एक्सरसाइज 1.1 ऑफ द क्लास फिफ्थ अबाउट द नेशनल सिस्टम, इंटरनेशनल सिस्टम एंड ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट 5 digit, 6 digit, 7 digit एंड वर्ड्स टू नंबर्स. जो वर्ड्स लिखे हुए थे उनको नंबर्स में लिखना, और दूसरा आपको नंबर्स दे रखे हैं उन्हें वर्ड्स में लिखना, वो चाहे इंटरनेशनल हो चाहे नेशनल हो. उसके बाद में एक्सपेंड होम, हम लोगों ने इस तरीके से क्वेश्चन किए थे. सबसे पहले हम रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से. नेशनल सिस्टम क्या होता है? चुलाक वगैरह में चलते हैं उसे नेशनल सिस्टम बोलते हैं. इंटरनेशनल सिस्टम विच कंटेन द मिलियन बिलियन सो ऑन, सो दिस इज कॉल्ड द इंटरनेशनल सिस्टम. एंड वॉट इज़ द ग्रेटेस्ट वैल्यू एंड स्मॉलेस्ट वैल्यू? ग्रेटेस्ट वैल्यू हम पता करते हैं, जितने भी डिजिट पूछे हुए हैं उतने 9 लिख दो, ग्रेटेस्ट मिल जाएगा. स्मॉलेस्ट कैसे लिखते हैं? स्मॉलेस्ट हम लिखते हैं कि 1 लगा दो और बाकी बची हुई 0. मान लो 7 डिजिट का नंबर है तो 1 1 और 6 0, ये हो गया हमारा स्मॉलेस्ट डिजिट का. सॉरी. उसके बाद में आपका था, सारी चीज़ें वर्ड्स में लिखी हुई है, उसके बाद में उसको नंबर्स बना के लिखना, और उसके बाद में था कि नंबर्स गिवन है उनको वर्ड्स में लिखना, और फिर आपके एक्सपेंड. एक्सपेंड में हमने क्या किया था? आपकी जो प्लेस वैल्यूज थी उन सबको क्या कर दिया था? हमने जोड़ दिया था लास्ट में. ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये क्या था, 1.1 के 4 क्वेश्चंस थे. उसके बाद में हम पढ़ेंगे ग्रेटेस्ट नंबर एंड ये ग्रेटेस्ट एंड लोएस्ट और इक्वल हम कैसे लिखते हैं. दिस वीडियो एंड दिस यूनिट एंड दिस एक्सरसाइज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द अप टू क्लास फिफ्थ, बिकॉज इन द क्लास फोर्थ, इन द क्लास थर्ड एंड इन द क्लास सेकेंड देर आर ऑल्सो दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चंस. क्योंकि बेसिक तो वहीं से स्टार्ट होता है, वह छोटी छोटा बेसिक है. हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 होती है वो क्या होती है? अब तक जितना हमने पढ़ा है उसका छोटा सा बेसिक होती है, ताकि बच्चे को क्या हो, चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए. सो अगला क्वेश्चन है आपका 6, ऐसा बोला गया है कि इसमें 703135. क्वेश्चन इज दैट 703135. ओके, उसके बाद में है आपका 702 7.02.135, और कहा गया है कि आपको बताना है कि क्या ये ग्रेटेस्ट है या स्मॉलेस्ट है या फिर इक्वल है. आपको ये साइन लगाने, 3 साइन लगाने हैं आपको. कौन कौन से? ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट और इक्वल. इन तीनों में से क्या आएगा? तो देखिए, क्या ये दोनों सेम है? इक्वल, इक्वल कब आता है? जब ये दोनों सेम हो. इसके पूरे देखो, 7 से 7 तो सेम है, बट यहाँ डिफरेंस आ गया. सेम ही नहीं है तो हम कह ही नहीं सकते कि ये इक्वल है, तो इक्वल तो हम कह ही नहीं सकते. और ऐसे क्वेश्चंस को अगर आप पढ़ के देखो ज़्यादा बेटर है. इसे पढ़ के देखने पर क्या बनता है? ये 1, 10, 100, 1000, 10,000, 1,00,000, 7,03,135, ये बनेगा आपके इसमें. इसमें क्या बनता है? 7,02,135. तो आप देखिए पढ़ने पर क्या आ रहा है. सबसे पहले इधर देखते हैं लाख किसमें है, ये 7 लाख में. इधर भी किसमें है? 7 लाख. सबसे पहले फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, कौन बड़ा है? 7, 7 लाख, ये तो सेम है. हम जज नहीं कर सकते कि कौन बड़ा है कौन नहीं, अभी तक तो इक्वल चल रहा है. आगे इससे एक डिजिट कम पे जाओ, 1000 पे जाओ, 1000 पे देखो, यहाँ दिया हुआ है 3000 और यहाँ दिया है 2000. यही आ गया डिफरेंस, मतलब इसमें से ये वाला बड़ा है और ये वाला छोटा है, क्योंकि ये 3000 है और ये 2000 है. तो साफ दिख रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी हो गई, ये वाली बड़ी हो गई. तो हमने इस तरीके से साइन लगा दिया. मान लीजिए अब क्वेश्चन कुछ ऐसा हो, सिक्सटी 9,123, ठीक है, और आपको लगाना है 67,297. ओके, अब जज कीजिए इसमें क्या होगा आपका, मुझे बताइए कौन सा बड़ा होगा कौन सा छोटा होगा. पहली डिजिट हमने देखी सेम है, दूसरी डिजिट देखी हमने, ये बड़ी और ये छोटी है, पर ऐसा छोटा बड़ा देखकर हम नहीं कह सकते. मान लीजिए ऐसा भी तो नंबर हो सकता है. अब अगर मैं आपसे कहूं कि नहीं, आप क्या कीजिए, ऐसा भी तो हो सकता है,
अब आप, मैं आपसे कहूँ पहले डिजिट कंपेयर करो, कौन सी छोटी है कौन सी बड़ी है, तो आपने कह दिया कि मैम ये वाली बड़ी है, तो क्या ये नंबर थोड़ी ना बड़ा हो जाएगा? नहीं, ठीक है, मान लिया कि पहली वाली डिजिट सेम है और दूसरी वाली डिजिट बड़ी है, इस वाले 9 बड़ा है 7 से, लेकिन कंपेयर करो कि ये कौन सी वाली फैमिली का, ये 1000 फैमिली का, ये 1000 फैमिली का। मेरे अकॉर्डिंग डिजिट कंपेयर की वजह आपको क्या करना चाहिए, आपको पोजिशंस कंपेयर करनी चाहिए। यहाँ पर है आपका 69,000, अगर आप इसे पढ़ते हो तो क्या है 69,000, और अगर आप इसे पढ़ते हो तो क्या है ये 67,000। तो बताओ 67 से 69 बड़ा है, 67 बड़ा है, 69 बड़ा है, तो साइन कौन सा आ जाएगा, ग्रेटर देना जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू मी अगर आप डिजिट्स को देखने की बजाय क्या कीजिए, आप फैमिली को देखिए, जैसे लाख लाख की फैमिली हमने देखी इक्वल थी, फिर 1000 पे गए थे और डिफरेंस आ गया। इधर देखो यहाँ पर 1000 पे डिफरेंस है, 69,000 है 67, कौन बड़ा है 69 बड़ा है, तो आप उसे क्या कर दो, टिक कर दो। तो इस तरीके से हमने क्या किया, फिफ्थ क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट कर लिया। ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट हम चलते हैं सिक्स क्वेश्चन पर। व्हाट विल बी अवर सिक्स क्वेश्चन? सिक्स क्वेश्चन इज द फिलिंग नंबर, फिल द मिसिंग नंबर्स। आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए मैंने दिया हुआ है 10, उसके बाद में मैंने प्लेसेस छोड़ दिए, दे दिया है यहाँ 15, बताओ इसको फिल करो, हमें पता है क्या आएगा यहाँ पर, ये सब चीज़ें आएंगी, तो ये चीज़ें आपको क्या करनी है, खुद फिल करनी है, इसे आप खुद कर लीजिएगा। सेवन्थ क्वेश्चन पे आ जाइए। व्हाट विल बी द सेवन्थ क्वेश्चन? राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। आपको बोला गया है कि आपको प्लेस वैल्यू बतानी है जिस पर अंडरलाइन किया हुआ है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, ए वाला पार्ट है आपका क्या, 72375, 72,375, ये आपका क्या है बच्चों, सेवन्थ का ए नंबर है। अब इसमें देखिए, इसमें आपको करना क्या है, कहा गया है कि 7 अंडरलाइन वर्ड है, ये अंडरलाइन वर्ड है, आप कहा कि इस अंडरलाइन वर्ड की क्या निकालनी है आपको, फाइंड आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ दिस अंडरलाइन वर्ड और दिस अंडरलाइन डिजिट। अब मुझे पता है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी, 7 एज इट इज, बाकी बच्चे हुए कितनी बस संख्या है मेरे पास, 4, तो 4 जीरो ऐड कर दीजिए। और वैसे भी आप कर सकते हैं पता कि 1, 10, 100, 1000 और 10,000, 7 किस पर है, 10,000 पर है, तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ 70,000 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपनी आंसर को पता भी कर सकते हैं। तो ये हमारा सेवन्थ क्वेश्चन भी हो गया। उसके बाद में आता है रीराइट द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। एट्थ और नाइन्थ क्वेश्चन क्या है हमारे, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। मैं इस पर बस एक ही क्वेश्चन समझाऊंगी, उसके बाद में आप इसे खुद कर लीजिएगा कि असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं। देखिए आपके क्या चल रही है, एक्सरसाइज 1.1 चल रही है, क्वेश्चन नंबर 8, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, हर बार ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है और एग्जाम में आता ही आता है, और आपको ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, व्हाट इज योर असेंडिंग ऑर्डर एंड व्हाट इज योर डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, सो असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ। वन कॉमा फोर फाइव सिक्स, एक तो ये वाला नंबर हो गया, दूसरा है आपका 1,32,456, थर्ड नंबर इज दैट 1,23,546, फोर्थ नंबर इज दैट 1,23,564, एंड नेक्स्ट लास्ट इज द 1,23,654। दिस इज आवर क्वेश्चन। ओके, और कहा गया है कि आपको क्या लिखना है, इसका असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, आपको इसको राइट करना है। तो देखिए किसमें लिखना है मुझे, असेंडिंग। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता क्या है। या असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता क्या है, असेंडिंग मतलब होता है ऊपर चढ़ना, डी मतलब, देखो मैंने कहा जहाँ डी आ जाए समझ जाओ डाउन, मतलब एक बात बताओ हम डाउन जाते हैं, मान लो मैं डाउन जा रही हूँ तो कहाँ से जा रही हूँ, मैं ऊपर से जा रही हूँ और नीचे की तरफ जा रही हूँ, ठीक है। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ना,
असेंडिंग क्या होता है हमारा, चढ़ना, और चढ़ते कैसे हैं हम, कुछ इस तरीके से, मतलब नीचे वाले प्लेस से हम ऊपर जाते हैं, ठीक है। और ऐसे डाउन डिसेंडिंग में क्या करते हैं, उतरना, मतलब डाउन आना। तो क्या करते हैं हम, ऊपर की तरफ से इस वाले पॉइंट से कहाँ आते हैं हम, नीचे की ओर। तो देखो असेंडिंग का मतलब ये छोटा पॉइंट है, और मैंने बोला एंडिंग पॉइंट हमेशा क्या होता है आपका, बड़ा पॉइंट होता है। तो आप क्या कर रहे हो, स्मॉलेस्ट, सबसे छोटे से कहाँ जा रहे हो आप, ग्रेटेस्ट की तरफ। कहाँ जा रहे हो, बड़े की तरफ जा रहे हो। लुक एट योर इन द डिसेंडिंग, क्या कर रहे हो आप, पहले बड़े पर हो, कहाँ पर हो, पहले ग्रेटेस्ट से। कहाँ जा रहे हो आप, स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हो। ग्रेटेस्ट से कहाँ जा रहे हो आप, स्मॉलेस्ट की तरफ जा रहे हो। तो असेंडिंग में तो क्या हो गया, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट, एंड डिसेंडिंग में क्या हो गया बेटा, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो इस तरीके से आपका असेंडिंग होता है और डिसेंडिंग होता है। जब भी लाइफ में आपको असेंडिंग डिसेंडिंग आ जाए, हमेशा एक चीज़ रखना, असेंडिंग मतलब चढ़ना, मतलब छोटे से लेकर बड़ा, और डिसेंडिंग मतलब उतरना, मतलब बड़े से लेकर के छोटा। ओके, सो अब क्या करें हम इसको करें, तो आपको बोला गया है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। मैंने कहा कि आपको ढूंढना है इसमें असेंडिंग मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर देखो ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, हम चढ़ते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन सब में सबसे पहले सबसे छोटा ढूंढो, कंपेयर करो। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, ये तो सभी 1 लाख है, मतलब अब आगे 1000 में जाते हैं कौन सा छोटा है। कहाँ से देखना शुरू करना है हमेशा, 1 से, सब 1 लाख है। अगला पढ़ो 23,000, 32,000, ये बड़ा हो गया। 23,000 देखो कितने में है, 4 में है 23,000, 1, 2, 3, 4, 4 नंबर ऐसे जहाँ पर क्या है 23,000 है। हमें पता है कि ये तो बहुत बड़ा जाने वाला है, तो ये तो सबसे लास्ट में आएगा, तो इसको भूल जाओ अभी आप, पहले इन चारों में से डिसाइड कर लें हम। तो देखो ये 23, 23, 23, यहाँ तक तो सबको सेम चल रहा है। अब आगे वाले नंबर पे मैं आ जाऊँ, सो देखिए यहाँ पर इन चारों नंबर्स में से हमें पता करना है, इन चारों में 1000 तक तो सेम है, अब 100 पे आ जाए हम, जब ये सेम है तो इन चारों में देखिए 456, ये 400 पे चल रहा है, ये भी 500 पर है, और ये भी 500 पर, ये 600 पर है। सबसे छोटा कौन हो गया, ये 400 वाला। तो लिख दूँ मैं, सबसे पहले कौन आएगा, 1,23,456। उसके बाद में आ जाइए आप अगले नंबर पर। अब ये तो हो गया मेरा, तो इस पर तो राइट टिक कर दो। अब बचते हैं मेरे ये 3 नंबर्स, इन 3 नंबर्स को हम ध्यान से देखेंगे। इन 3 नंबर्स को देखने पर मुझे पता लगता है ये किस पर है, 500 पर है, ये किस पर है, दिस इज ऑल्सो इन द 500, बट दिस इज इन द 650, और मतलब इसको भी अभी भूल जाओ, ये थोड़ा बड़ा है। पहले इन दोनों में से चेक करेंगे अब, क्योंकि ये दोनों किस पर है, 500 पर, क्योंकि 600 तो क्या होता है, इससे बड़ा होता है। तो यहाँ पर देखो ये भी सेम है 5, 5 इन दोनों में। अब कैसे पता करें, अब लास्ट की इस वाले डिजिट से पता करते हैं, ये है 46 और ये है 64। कौन सा छोटा है, ये 46 वाला छोटा है। तो सेकेंड नंबर पे क्या आएगा, ये वाला आएगा। तो लिख दूँ यहाँ 1,23,546। उसके बाद में देखो फिर हमें पता है ये वाला ही आएगा 1,23,564, ये भी हो गया। अब हमें पता है ये वाला आएगा, तो 1,23,654, और एट लास्ट सबसे बड़ा 1,32,456। तो ये था आपका असेंडिंग ऑर्डर, और आप साइन लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, ये हो गया आप असेंडिंग ऑर्डर। आप क्या कर रहे हो, छोटे से लेकर के बड़े पर चढ़ते जा रहे हो। अगर यही मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता, ये तो था मेरा असेंडिंग ऑर्डर। अगर मैं कह दूं कि इस क्वेश्चन को ही मुझे डिसेंडिंग में भी लिखना है, तो डिसेंडिंग में मैं कैसे लिखूंगी, बड़े से छोटा, ये होता है ना, सबसे बड़ा कौन सा है, देखो 1,32,456, राइट। उसके बाद में देखिए क्या होगा, बड़े से छोटे पे आ जाओ, 1,23,654, फिर उससे छोटा कौन है,
123,564। फिर कौन है उससे, उससे छोटा कौन आ गया आपका? 123,546। फिर छोटा कौन आ गया? 123,456। तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों में लिख सकते हैं। बस आपको क्या करना है, ध्यान रखना है कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है। बेटा दिखने में ये सारे नंबर आपको सेम लग रहे हैं, देखो ध्यान से देखो, सारे के सारे नंबर सेम है। नहीं पता कर सकते आप डिफरेंस कि कौन क्या है, कौन क्या है, कौन क्या है, नहीं पता। ऐसा लग रहा है कि सभी तो सेम है, बहुत पजलिंग और बहुत कंफ्यूजिंग। और बच्चे मोस्टली डिजिट्स ना देखने के चक्कर में देखो 23 था 32 कर दिया, ये भी कुछ ऐसे लग रहा है सेम टू सेम। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, इन दोनों को सेम समझ लेंगे। तो ये सब चीज़ें हमें सिर्फ क्या करने के लिए करती है, डाइवर्ट करती है। बाकी आपको पूरा पढ़ पढ़ के करना है, फोकस करना है। बहुत सारे बच्चे के हमें आता है और जल्दी जल्दी में कर देते हैं और गलत कर लेते हैं। सो डोंट डू सच टाइप ऑफ द थिंग्स। सो नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी 8 और 9 हो चुके हैं आपके। टेंथ क्वेश्चन है कि फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट, जो मैंने कल आप 7-6 क्लास को टॉपिक पढ़ाया था कि फॉर्म स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट डिजिट बाय द डिजिट्स। उसमें रिपीटेड भी हो सकता है और नॉन रिपीटेड भी हो सकता है। मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन पढ़ाए थे, रिपीटेड और नॉन रिपीटेड, और ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट दोनों बताए थे। मैं दोबारा बता देती हूँ। सो लुक एट हियर, क्या था हमारा कि आपको 6 डिजिट का स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर बनाना है। किससे? आपको डिजिट्स दे रखी है 120496, ये आपको दे रखी है और कहा है कि आपको फ्रेम करना है 6 डिजिट का नंबर, और इसमें आप ईच वंस एक ही डिजिट को एक बार ही लिख सकते हैं बस। तो हमने कहा 6 डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, और 6 डिजिट का नंबर बनाना है और 6 ही मेरे पास है, तो रिपीट करने की ज़रूरत ही कहाँ है जब मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, नॉट रिपीटेड, रिपीट नहीं कर रही मैं। तो देखो क्या बनेगा, जो मेरा ग्रेटेस्ट होगा एंड जो मेरा स्मॉलेस्ट होगा। ग्रेटेस्ट बहुत ईजी है दोनों में, बस थोड़ा स्मॉलेस्ट में चक्कर पड़ता है, वो भी 0 का चक्कर पड़ता है, बाकी ग्रेटेस्ट तो दोनों ही आसान है। ग्रेटेस्ट देखिए, ग्रेटेस्ट कैसे लिखते हैं, 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो 6 डिजिट लिखनी है मुझे कैसे भी करके। वो कैसे लिखते हैं, हमेशा सबसे पहले ग्रेटेस्ट में आती है सबसे बड़ी डिजिट, तो सबसे बड़ा कौन है इसमें, 9, तो 9 लिख दो। फिर 9 से छोटा कौन है, 6 है, फिर 6 लिख दो। फिर उससे छोटा कौन है, 4, फिर 4 लिख दो। फिर उससे छोटा 2, फिर उससे छोटा 1, और फिर उससे छोटा 0, 0 चलता है इसमें पीछे। अब आप चाहो तो कॉमा पुट कर दो, क्या नंबर बन गया, पहले 3 डिजिट के साथ फिर 2 डिजिट के साथ। तो ये बन चुका है 9,64,210। ये किसका बना है, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बना है इन सब से। स्मॉलेस्ट पूछूँ तो क्या होता है, स्मॉलेस्ट सबसे छोटा कौन है, 0, फिर कौन आएगा, 1, फिर कौन आएगा, 2, फिर 4, फिर 6 और फिर 9। मतलब इसमें स्मॉलेस्ट में क्या करना है, पहले छोटे से स्टार्ट करना है फिर बड़े पर जाना है, और बड़े में क्या करना है, पहले सारे बड़े आएंगे फिर छोटा आएगा। लेकिन देखिए अगर मैं ऐसे लिखती हूँ तो चक्कर क्या पड़ेगा, चक्कर ये पड़ रहा है कि आगे आने वाली 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इसका कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं है अगर आगे 0 आ रही है, ये रिमूव के ही बराबर है कि कर दो इसको रिमूव। तो बेटा ये कितने डिजिट का नंबर रह जाता है, 1 2 3 4 5, और बनाना कितने का था, 6 का। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ना लिखकर कैसे लिखते हैं इसको, बाकी तो पूरा सेम चलेगा, बस इस 0 को उस 1 के पीछे लगा देते हैं, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मान लो आपको कुछ इस तरीके से डिजिट्स दे रखी होती, अब इससे बनाओ इस ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, ग्रेटेस्ट बनाऊं और स्मॉलेस्ट बनाऊं, जब रिपीटेड नहीं है, 5 डिजिट का नंबर है आपका, ये क्या करना है आपको, मैंने कहा ग्रेटेस्ट में सबसे बड़ा लिखो, पहले सबसे बड़ा कौन है, 6, फिर उससे छोटा 5, फिर उससे छोटा 4, फिर 3, फिर 0। तो ये तो बहुत ईजी है, ये बन गया 65,430।
और इसमें क्या बनेगा, स्मॉलेस्ट में देखो आपका बनना चाहिए क्या, 034, क्या बनना चाहिए आपका 03456 बनना चाहिए, पर ऐसा नहीं बनता। क्या करूं मैं, 3 के बाद में 0 लगा दूं, 30456, तो ये बन जाएगा 30456। अगर मैं कह दूं कि नहीं आपके पास डिजिट ही नहीं है, मान लो मेरे पास ये 1 है ही नहीं, यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिख देती हूँ मैं, मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं लिख देती हूँ कि मेरे को ये डिजिट दी हुई है और आपको कहा है कि 6 डिजिट का बनाना है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, हमारे पास डिजिट कितनी है, 1 2 3 4 5, 5 ही डिजिट दे रखी है, उससे बनाना है 6, तो मतलब कोई ना कोई एक डिजिट क्या होगी, कम पड़ रही है हमारे पास, तो वो क्या होगी, रिपीटेड होगी। और वो रिपीट कौन सी होती है, जो पूछा वही रिपीट होती है। अगर ग्रेटेस्ट पूछा है आपसे तो बड़ी वाली संख्या रिपीट कर दो, स्मॉलेस्ट पूछा है तो छोटी वाली संख्या रिपीट कर दो। अगर देखो यहाँ 1 हो तब तो दिक्कत ही नहीं है, आसान है सब कुछ। क्या करना है आपको, ग्रेटेस्ट क्या बनेगा आपका, 9 6 4 2 1, और स्मॉलेस्ट क्या बनेगा, 1 2 4 6 9, तो ये बन गया आपका क्या, ये नॉर्मल। लेकिन मैंने कहा कि आपका कौन सा, इसमें ग्रेटेस्ट रिपीट होता है तो बड़ा रिपीट कर दो, और इसमें स्मॉलेस्ट रिपीट होता है तो स्मॉलेस्ट रिपीट कर दो। लेकिन अगर ये 1 की जगह 0 हो तब क्या करे कोई इंसान, 1 में तो बहुत ईजी था, लेकिन जब 0 वाले क्वेश्चन आ जाए तो अब क्या हो, तब एक चीज़ होगी आपकी। देखो ग्रेटेस्ट अगर आपको बनाना है, मैंने कहा सबसे पहले सबसे बड़ा लिखते हैं 9, मैंने कहा कि अब 5 डिजिट है लेकिन करना मुझे 6 है, बड़ा वाला डिजिट रिपीट होता है, तो 9 को 2 टाइम्स रिपीट कर दीजिए, फिर उसके बाद में लिखिए 9 से छोटा 6, फिर 4, फिर 2, फिर 0, हो गया 6 डिजिट। स्मॉलेस्ट बनाना है क्या करो, आप देखो वही 0 आगे आएगा तो 0 2 टाइम्स रिपीट होगा, तो 00, तो 00 मैं लिखती हूँ तो यहाँ तो 4 डिजिट का नंबर रह जाएगा, ऐसा मैं नहीं कर सकती। तो 0 से 1 बड़ा कौन है, 2, पहले 2 को लिख दो, ठीक है, आप 20 लगा दो, फिर उसके बाद में पूरा के पूरा क्वेश्चन उतार दो, 4 6 9, तो मतलब इस तरीके से आपको क्या करना है, बहुत ध्यान रखते हुए इसको फ्रेम करना है। तो आपका ये 10th क्वेश्चन भी होता है, इसके बाद में आता है आपका 11th क्वेश्चन, और इसके बाद में आपकी एक्सरसाइज 1.1 फिनिश हो जाएगी। सो ये फिल्म जो हमारा 11th क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कल मैंने बताया था 6th क्लास की 1.1 में, बट आई विल रिपीट टूडे ऑल्सो। क्वेश्चन नंबर 11, ओके, हियर इज गिवन इज दैट 1 लाख, वॉट इज गिवन, 1 लाख इज इक्वल्स टू दिस 1000, कहा आपको कि 1 लाख इज इक्वल्स टू कितने 1000 होंगे, और 10,000 इज इक्वल्स टू हंड्रेड्स, कितने हंड्रेड्स होंगे। सेम कल वाला क्वेश्चन है जो हमने कल करवाया था 6th क्लास के अंदर, देखिए ध्यान से, 1 लाख अगर आपको गिवन है, मैंने बताया था ऐसे क्वेश्चन में कैसे करते हैं, पहले 1 लाख लिख लीजिए, ये मैंने लिख दिया 1 लाख, ठीक है, 5 जीरो होती है 1 लाख में, काउंट कर सकते हैं 1, 10, 100, 1000, 10,000 और लाख, 1 लाख। मैंने कहा इसको 1000 में कन्वर्ट करना है, तो 1000 में कितनी जीरो होती है, 3 जीरो होती है, तो इन 3 जीरो की जगह तो क्या लिख दो आप, 1000 लिख दो। सबसे पहले तो इन 3 जीरो की जगह क्या करो, 1000 लिख दो, और बाकी बचा हुआ एज इट इज लिख दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पर आ जाएगा 100,000। कितने होते हैं 1 लाख में, 100,000 होते हैं। उसी तरीके से आपको अगला क्वेश्चन बोला गया 10,000, सबसे पहले तो 10,000 लिखो, 10,000 कुछ ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब देखो इसको क्या बोला गया है, हंड्रेड्स में कन्वर्ट करना है, 100 में कितनी जीरो होती है, 2 जीरो होती है, तो देखो 2 जीरो कहाँ है मेरी, येरी 2 जीरो, इन 2 जीरो की जगह क्या लिख दो आप, हंड्रेड्स लिख दो, बाकी बचा हुआ एज इट इज लिख दो, कितना 100, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, 100 100 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा ऐसे सॉल्व करते हैं। सो योर एक्सरसाइज 1.1 इज कंप्लीटेड, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द लिसन टू मी केयरफुली बच्चों, एक्सरसाइज 1.2,
अगर आप इसके एक्सरसाइज 1.2 देखेंगे ना तो कुछ भी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आपके एक्सरसाइज 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है कि आपको क्या करना है, आपको नंबर्स दिए हुए हैं कुछ इस तरीके से, आपको नंबर्स गिवन है और बोला गया है कि आपको क्या करना है, इनको वर्ड्स में लिखना है। क्या करना है? वर्ड्स में। बता दिया है मैंने ऑलरेडी, आप इसे वर्ड्स में लिख दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल के अकॉर्डिंग आपको वर्ड्स में लिखना है, वो भी मैंने सिखा दिया है। थर्ड क्वेश्चन है आपका, राइट द फॉलोइंग इन फिगर्स, आपको ऐसे वर्ड्स में लिखा हुआ है, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाना सिखाया था ना मैंने आपको, इसका ब्लॉक डायग्राम बनाकर और इसको वापस क्या लिखना है, नंबर के अंदर, मतलब जस्ट इसका अपोजिट करना है, तो ये भी आप कर लेंगे। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये बोला गया है आपको री राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंडियन सिस्टम, ये आपको इंटरनेशनल में गिवन है और कहा कि इसको री राइट करना है, मतलब दोबारा लिखना है, किसमें? इंडियन सिस्टम में। अब मैं आपको बता दूँ, जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है 3,3,891,402, कहा है कि इसको री राइट करो इंडियन सिस्टम में, ये अभी किसके अंदर है? इंटरनेशनल के अंदर। क्यों? क्योंकि तीन तीन कॉमा छोड़े हुए हैं। अब मैं इसको इंडियन में लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी बेटा, सिर्फ कॉमा का संख्या एज इट इज लिख दो 3,891,402, बस क्या कर दो इसका कॉमा चेंज कर दो, पहले तीन के बाद कॉमा फिर दो के बाद कॉमा, तो ये बन रहा था 3 मिलियन समथिंग कुछ करके, अभी क्या बनेगा 3,891,402, तो इसको क्या कर दो फिर आप, वर्ड्स में लिख देना। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। उसी तरीके से फिफ्थ क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग नंबर इन द इंटरनेशनल सिस्टम, इसके अंदर में क्या करना है आपको, अब इंडियन सिस्टम के अंदर दे रखा है, कॉमा चेंज करके इंटरनेशनल में लिखना और फिर उसको वर्ड्स में लिख देना। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज 1.2 भी यही फिनिश होती है, इसे भी आपको करना है। सो 1.1 एंड 1.2 जितने भी क्वेश्चन से आपको ये पूरे कर लेने हैं। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज टाइप योर डाउट इन द कमेंट ऑप्शन एंड यू कैन आस्क मी एनी डाउट इन द क्वेरी सेक्शन ऑफ अवर स्कूल एप्लीकेशन। सो बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो, वी विल डू एक्सरसाइज 1.3 एंड 1.3 एक्सरसाइज इज ऑल्सो वेरी ईजी बिकॉज ऑल द कंसेप्ट आई हैड ऑलरेडी टोल्ड, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, मोस्टली क्वेश्चन आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विथ यू, सो देर इज नो न्यू क्वेश्चन, देर इज ऑनली वॉट इज प्लेस वैल्यू, वॉट इज राइट इन वर्ड्स, राइट इन नंबर्स, एक्सपेंड फॉर्म, देर इज नथिंग, देर इज ऑनली एक्सपेंड फॉर्म एंड वॉट इज योर प्लेस वैल्यूज। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो ऑफ द एक्सरसाइज 1.3, सो थैंक यू।